रुपयों की लागत से बना वेंटिलेटर आज भी धूल फांक रहा। खबर यूपी के बलिया जनपद के जिला चिकित्सालय से है, जहां एक तरफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से मरीजों की मौत को लेकर नाराज तीमारदार सीएमएस के चैम्बर में तोड़फोड़ और गाली गलौज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय में करोड़ों रुपए से खर्च किया ट्रामा सेंटर में लगा 5 बेड का वेंटिलेटर सिर्फ मैन पावर की कमी की वजह से धूल फांक रहा, जबकि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौत हो रही है। वहीं जिला अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर 45 प्लस के लोगों की लगी भीड़, वैक्सीन लगवाते लोग दिखाई दिए, मगर 18 प्लस वालों के लिए कल से शुरू होने वाला वैक्सीनेशन कल शुरू हो पाएगा या नहीं यह अभी तक कंफर्म नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की मांगने तो ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर लगा हुआ है और यह फंक्शनल भी है, लेकिन ट्रामा सेंटर मैन पावर की कमी की वजह से अभी यह आरंभ नहीं हो सकता है। अब ट्रामा सेंटर आरंभ होगा तो वह कार्य करना शुरू कर देगा। 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पहली तारीख से 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगना था। इसके लिए अभी मीटिंग चल रही है, जब कंफर्म हो जाएगा तो बताया जाएगा। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की तरफ से इंडिया समाचार। अभी जी अभी 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है और पहली तारीख से जो 18 साल से ऊपर के लोगों को लगना था उसके लिए अभी मीटिंग चल रही है, जब कंफर्म हो जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। सर, वेंटिलेटर 5 बेड के अस्पताल में लगे हुए हैं लेकिन वो चालू नहीं है, क्या वजह है? जी, ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर आया हुआ है, वो फंक्शनल है, लेकिन चूंकि अभी ट्रामा सेंटर मैन पावर की कमी कारण अभी आरंभ नहीं हो पाया है। जब आरंभ होगा तो वो भी कार्य करना शुरू करेगा।